हाय फ्रेंड्स, मैथ्स एंड मोर में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम हिंदी कोर्स बी कक्षा 10वीं क्लास 10th का 2018 सेशन का जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज़ किया है, उस सैम्पल पेपर को देखेंगे और उसके आंसर्स को सिर्फ चेक करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स और आंसर चाहिए तो आप इस लिंक पे जाके आप चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये सीबीएसई का ऑफिशियल लिंक है, ऑफिशियल वेबसाइट है। और फ्रेंड्स, मैथ्स का सैम्पल पेपर और साइंस का ऑफिशियल सैम्पल पेपर हमने डिटेल में सॉल्व कर रखा है हमारे चैनल पे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बच्चों के कुछ डाउट रहते हैं तो मैं उसको क्लियर कर दूँ। वो बार बार कमेंट में पोस्ट करके पूछते हैं कि सर क्या ये पेपर सीबीएसई ने रिलीज़ किया है? यस, ये पेपर सीबीएसई ने रिलीज़ किया है। क्या ये पेपर बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है? क्या इनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं? फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं, इसका चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। 1% चांस है कि उसका सेम टॉपिक से रिलेटेड या वैसा क्वेश्चन आ सकता है, बस एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है जिसके चांसेस बिल्कुल 1% है। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ इस पेपर का? इस पेपर का फ़ायदा यही है कि आपको आइडिया दे देता है कि कैसा पैटर्न आएगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कितने पोर्शन में कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको फिर भी डाउट है कि क्लास 10th की प्रिपरेशन कैसे करनी है बोर्ड की, तो उसका एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने बना रखा है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर यहाँ पे जो आई बटन है वहाँ पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं और आपको आइडिया मिल जाएगी क्लास 10th में आपको कैसे पढ़ाई करनी है। और मैथ साइंस के मटेरियल के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं क्लास 10th के। और फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स बाई करने हैं और तो इंस्टा मोजो पे जाके आप हमारा नोट्स बाई कर सकते हैं साइंस के लिए। और हमारे चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें। और फ्रेंड्स, हमारा फेसबुक का पेज है मैथ्स एंड मोर करके, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। और ये हमारा ट्यूशन का पेज है गूगल पे मैथ्स पॉइंट दयाल सर रोड करके, आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए क्वेश्चन पेपर देखते हैं हमारा। तो कोर्स बी में आपका जो क्वेश्चन पेपर है आपका 80 मार्क्स का है, 3 घंटे का है। इसके अंदर आपके 4 खंड हैं, क ख ग और घ। चारों खंड के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, यथासंभव प्रत्येक खंड के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः दीजिए। तो एक खंड का है जिसमें आपका अपठित गद्यांश पूछा गया है और इस गद्यांश को आपको रीड करना है। अगर आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पॉज करके, ये वीडियो जो चल रहा है उसको पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसको मैं आगे फर्दर बढ़ा देता हूँ, आप पॉज करके देख लीजिएगा। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 नहीं फ्रेंड्स, इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। आप इसको रीड कर लीजिएगा और इन 5ों क्वेश्चन के आंसर्स आपको इस फाइल में मिल जाएंगे। तो आप इस पार्ट को भी पॉज करके आंसर को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने रजिस्टर में नोट कर सकते हैं। उत्तर 1 हो गया, ये उत्तर 2 हो गया, उत्तर 2 के 3 पार्ट थे, फिर इसमें एक अथवा का पार्ट था, ये उसका उत्तर हो गया, फिर ये तीसरे का उत्तर हो गया। अब आ जाते हैं खंड ख पे, और सॉरी ये प्रश्न 2 है, तो प्रश्न 2 का उत्तर यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, ये आपका प्रश्न 2 का उत्तर हो जाएगा। और इसमें एक अथवा का पार्ट था तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। फिर ये है आपका अगला है प्रश्न नंबर, अच्छा आपके खंड क में आपके 2 ही सवाल थे, प्रश्न 1 जिसके आपके 5 पार्ट थे और प्रश्न 2 जिसके अंदर पहले में 3 पार्ट थे और अथवा के अंदर भी 3 पार्ट थे। तो जो आपका पहला वाला प्रश्न था अपठित गद्यांश का, ये रहा उसका पहला पार्ट और उसके 5ों के आंसर, और ये रहा आपका प्रश्न 2 के उत्तर जिसके आप में 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और ये अथवा वाला पार्ट जो प्रश्न 2 का पूछा गया था ये रहे उसके 3 उत्तर। तो खंड ख पे आते हैं। फ्रेंड्स, हो सकता है आपको लग रहा हो कि मुझे हिंदी नहीं आती है, ऑब्वियसली मुझे हिंदी नहीं आती है, मैं आपको सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, ये सैम्पल पेपर का वीडियो बना के, कि कैसा आपका सैम्पल पेपर आएगा और कैसा सैम्पल पेपर ऑफिशियल सीबीएसई का होता है। तो प्लीज़ इस बारे में मत सोचिए कि मेरी हिंदी कैसी है, ख़राब है, वाकई में बहुत ख़राब है। सो आई डो नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट हिंदी, इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। प्रश्न नंबर 2 देख लीजिए, ये प्रश्न नंबर 2 है, इसमें आपको ध्यानपूर्वक पढ़ के आपको उत्तर देने हैं। तो ये प्रश्न नंबर 2 है और इसमें भी आपको 3 सवाल पूछे गए हैं और प्रश्न नंबर 2 में भी आपको एक अथवा करके च्वाइस दी गई है। तो प्रश्न नंबर 2 खंड ख का प्रश्न नंबर 2, इसका उत्तर देखते हैं। तो ये रहा आपका खंड ख उत्तर नंबर 3, ये इसका पहले पार्ट का उत्तर और इसका अथवा वाला पार्ट का उत्तर, और सॉरी ये रहा उत्तर 2, हाँ प्रश्न 2 का ये रहा उत्तर, प्रश्न 2 का 5 3 पार्ट थे इनका ये रहा उत्तर, और ये अथवा वाले पार्ट के 3 क्वेश्चंस का ये रहा आपके पास। और खंड ख में तीसरा सवाल देखते हैं, खंड ख में तीसरा सवाल दिया गया है कि शब्द कब पद का रूप लेते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, और इसमें भी आपको अथवा के
के साथ एक और पार्ट दिया गया है। तो ये रहा आपका प्रश्न तीन और ये रहा उसका उत्तर। प्रश्न तीन आपका दो नंबर का है। अब आपका आ जाएगा प्रश्न नंबर चार, ये भी तीन नंबर का है, जिसके क ख ग घ करके चार पार्ट दिए गए हैं। तो प्रश्न चार का उत्तर देख लेते हैं। ये रहा आपका उत्तर चार। फ्रेंड्स, कहीं पे भी अगर आपको मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लग रही है, आपको लग रहा है कि मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको रीडिंग करने में, तो आप म्यूट कर दीजिए वीडियो को और आप फर्दर वीडियो आगे देखते जाइए। ये रहा प्रश्न पाँच। प्रश्न पाँच में आपको का में फिर कुछ पार्ट्स हैं, तो ये प्रश्न पाँच रीड कर लीजिए। और ये रहा प्रश्न पाँच का पूरा उत्तर। ये रहा प्रश्न नंबर छः। फ्रेंड्स, कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कमेंट करके कि क्या ये हमारे प्री बोर्ड में आ सकता है ये पेपर। हाँ फ्रेंड्स, प्री बोर्ड में तो आने के हाईली चांसेस रहते हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में प्री बोर्ड में जो CBSE का ऑफिशियल सैम्पल पेपर होता है वही पूछते हैं। तो हो सकता है कि आप ये जो पेपर रीड कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली 90 to 95% चांस है कि आपके स्कूल के अपकमिंग प्री बोर्ड में जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तो यही पेपर पूछा जा सकता है। तो ये छठा सवाल सवाल था। ये रहा छठे जवाब सवाल का उत्तर। ये रहा आपका छठे सवाल का उत्तर। और है आपका प्रश्न सात। प्रश्न सात, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, क ख ग, ये नोट कर लीजिए। और ये रहा आपके प्रश्न सात का उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर आठ। तो प्रश्न नंबर आठ में आपके पास फिर से अथवा करके आपको चॉइस दी गई है। ये रहा पूरा प्रश्न आठ, आप रीड कर लीजिएगा। और ये रहा प्रश्न आठ का पहले पार्ट का उत्तर और ये अथवा वाले पार्ट का उत्तर। अब प्रश्न नौ देखते हैं। ये रहा प्रश्न नौ और प्रश्न दस, एक ही साथ रीड कर लीजिए। प्रश्न दस में भी आपका अथवा का पार्ट है, तो मैं एक साथ तीनों पार्ट का आंसर दिखा देता हूँ। प्रश्न नौ का अथवा के दो पार्ट का और प्रश्न दस के आठवें का, इन सारे पार्ट्स का। तो ये उत्तर नौ हो गया, ये उत्तर दस हो गया। प्रश्न ग्यारह देख लेते हैं। ये रहा प्रश्न ग्यारह और प्रश्न बारह। प्रश्न ग्यारह में भी दो पार्ट है, प्रश्न बारह में भी दो पार्ट है, पांच पांच नंबर के ये सवाल हैं। तो ये रहा प्रश्न ग्यारह उसका उत्तर और ये प्रश्न बारह का उत्तर उसका अथवा पार्ट का उत्तर। और ये है प्रश्न, तो आई होप आपने ये पार्ट रीड कर लिया होगा, ये वाला पार्ट। इसका भी आंसर मैंने दिखा दिया दूसरी वाली फाइल में। ये प्रश्न तेरह है और ये है चौदह। तो तेरह में कोई चॉइस नहीं है, चौदह में दो चॉइसेस हैं। तो तेरह का उत्तर देख लेते हैं। ये रहा तेरह का उत्तर, जो कि आपको अनुच्छेद लिखना है बेसिकली। तो आपको खुद आपके टीचर ने बताया होगा और आपने अपने पूरे सेशन में बहुत सारे अनुच्छेद पढ़े होंगे, फिर भी आप कुछ और टॉपिक से रिलेटेड अनुच्छेद पढ़ के आइएगा ताकि आप इजीली लिख पाएंगे। प्रारूप के आपको दो नंबर मिलेंगे, विषय वस्तु के दो नंबर मिलेंगे और भाषा का एक अंक मिलेगा। तो चौदहवां नंबर सवाल भी आई होप आपने पढ़ लिया होगा। आपको एक ज्ञापन पत्र लिखना है, तो उसमें भी आपको फॉर्मेट आपके टीचर ने बताया होगा या फिर आपने अपने लैंग्वेज कोर्स में पढ़ा होगा। और 16वें में आपको संवाद लिखना है और 17वें में विज्ञापन बनाना है। तो 15, 16, 17 आप रीड कर लीजिए क्या क्या आपको पूछ सकता है। NCC के बारे में पूछा गया है, आपको NCC के बारे में सूचना तैयार करनी है। विद्यालय में मोबाइल का निषेध है, उसके बारे में सूचना तैयार करनी है। ये 17वां सवाल हो गया। तो फ्रेंड्स, ये आपका एंडिंग था क्वेश्चन पेपर का। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और आइडिया मिल गया होगा कि कैसा पेपर आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके पूछ सकते हैं, स्पेशली मैथ्स और साइंस से रिलेटेड। और आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।